किसका में बनेगा? इसमें बस प्रिंट आउट ना निकल के ऐसा लेजर का टैग लगेगा। दिस इज सो क्यूट माया, कल रात को ऑर्डर किया। बहुत क्यूट है। Welcome back to my channel, Shaisa's Vlog. Okay, so today is the day one after delivery. तो आज मेरे बेबी का फर्स्ट डे है इन आर लाइफ, मैं ये बोलूँगी। ठीक है, उसकी ज़िंदगी का पहला दिन खैर कल ही से शुरू हो गया था क्योंकि वो पहले डिलीवर हुई है, बट आज पूरा दिन है। तो या आई थॉट क्यों नहीं मैं हॉस्पिटल में ही आपके साथ शेयर करूं। तो अभी बज रहे एग्जैक्ट 6। वैसे रात भर सो नहीं पाई क्योंकि जैसे ही एनेस्थीसिया का असर कम हुआ मेरे स्टिचेस में पेन शुरू हो गया बहुत ज़्यादा। इस वन एरिया में मुझे काफ़ी पेन है और बेबी भी सोने नहीं दे रहा था, बिल्कुल ही परेशान कर रहा है मेरा बेबी। ठीक है, तो अभी मम्मी सो रही है और वो भी सो रही है, बड़ी सुकून से सो रही है वो। तो क्या अभी उसको फीड कराना है, मुझे 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं, 3:30 बजे के आसपास दिया था, अब उसको फीड कराऊंगी मैं। और बाकी मेरी जो आज मेडिकेशन है वो हो गई है। देखो मम्मी कब तक उठती है, और मुझे 6 घंटे खाली पेट मतलब भूखा ही रहना था, एनपीओ रखा था। अब मुझे थोड़ा सिप ऑफ वाटर देंगे और मुझे सच में प्यास और भूख दोनों लग रही है क्योंकि मैं 3 बजे से भूखी हूँ, कल दोपहर के और सुबह के 6 बज रहे हैं। मैंने लास्ट वही खिचड़ी खाई थी जो भी शेयर किया था आपके साथ। थैंक यू। क्या नाम है? अंजलि। हेलो गाइस, मुझे स्पंज बाथ मिल गया है। बेसिकली स्पंज बाथ यू नो पेशेंट्स को बहुत बेड पे होते हैं तो मिलता है, एक टाल से या फिर वेट टिश्यू से पूरी बॉडी क्लीन होती है। और मेरा मेरे लिए नारियल पानी मंगवाया, मैं ओरली अलाउड कर दी गई हूँ, मतलब मैं कुछ खा सकती हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट आने में मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। हाई एवरीवन, सो फेस्टिव सीजन इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर और बहुत सारे फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं एंड वी वॉन्ट फेस्टिव ग्लो। सो इस फेस्टिव सीजन में मामा अर्थ ने इंट्रोड्यूस किया है अपना उपटन रेंज विद द नेचुरल गुडनेस ऑफ टर्मरिक एंड सेफ्रन, स्पेशली स्किन ब्राइटनिंग के लिए एंड गिव्स यू अ ब्यूटिफुल फेस्टिव ग्लो। आई हैव ऑलरेडी यूज देयर उपटन फेस वॉश, उपटन फेस मास्क एंड दिस टाइम आई हैव ट्राइड देयर उपटन क्लिनजिंग मिल्क एंड उपटन फेस सीरम। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल फेस सीरम for this festive time just because it has turmeric, saffron, black oat extract, soybean extract, niacinamide. You guys can also check out their Upton cleansing milk. It has turmeric and saffron again for beautiful natural glow and ye gentle cleansing ke liye bahut acha hai, again suits all skin types. Ye serum specially skin brightening mein help karega, dark spot pigmentation ko reduce karega, aging signs ko bhi kam karne mein help karega and sath mein it gives you a natural glow. The texture of this serum is extremely lightweight and non greasy. Aap ise pair kar sakte ho apne favorite moisturizer and sunscreen ke sath. Aap ise morning and night स्किन केयर टाइम में यूज कर सकते हो एंड इट वॉन्ट फील हैवी बिकॉज द टेक्सचर इज वेरी लाइट वेट। इट कम्स विद दिस ग्लास बॉटल एंड ड्रॉपर के साथ आता है एंड लुक एट द टेक्सचर, इट्स वेरी लाइट वेट, वॉटरी लाइक अ टेक्सचर। द सीरम इज फ्री फ्रॉम पैराबिन, सिलिकन, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड है एंड द बेस्ट पार्ट ये ऑल स्किन टाइप को सूट करता है। हमेशा मेंशन करती हूँ कि मामा इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड। उसका क्या मतलब है कि मामा अर्थ जो है उन्होंने काफी अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं। सबसे पहला है प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, विच मीन्स एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। जी हाँ, 2025 तक मामा अर्थ का एम है कि वो 1 मिलियन ट्री प्लांट करेंगे इस इनिशिएटिव में, जिसका पार्ट आप होगे जब भी आप कुछ बाय करते हो मामा अर्थ से। इसके अलावा मामा अर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, विच मीन्स जितना वो प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा वो रिसाइकल करते हैं। एक क्रुएल्टी फ्री एंड वेगन ब्रांड भी है
सो है ना, मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस। ओके गाइस, सो आप अगर ये उपटन फेस सीरम बाय करते हो तो आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हो जो कि है शायद 2021। तो अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट से बाय करते हो तो यू विल गेट 20% का ऑफ। और आप मामा अर्थ के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, उनका यू नो एंड्रॉइड यूजर्स और iOS यूजर्स दोनों ही। इसके अलावा ये जो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी वेबसाइट के अलावा नायका, अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी इजिली अवेलेबल हैं, तो आप चेक कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड एंड लिंक सारे दे दूंगी, तो आप चेकआउट कर लेना। तो अब एंजॉय करते हैं अपना ब्लॉग। रो दो थोड़ा सा और रो लो। मैडम को रह रह के याद आता है कि उनका रोना भी है। वो पुराने जमाने जमों की याद करती है। हाँ, पता नहीं क्या याद करके रोने लगती है। मम्मा को इतना दर्द दिया ना वही सोच के। अब उसको फीड कराने का टाइम आ गया। काफी देर से भूखी है लेकिन उठ नहीं रही थी, सो रही थी मैडम। तो मेरा डे वन है, मुझे फीड उतना अच्छे से नहीं उतर रहा है और वो भूखी है। काफ़ी ट्राई कर लिया हमने आधा घंटा, मम्मी ने भी बहुत ट्राई किया, सिस्टर ने भी काफ़ी ट्राई किया, बहुत ही कम फीड आ रहा है, तो उसे टॉप फीड दिला रहे हैं। ओके, तो बेबी को वैक्सीनेशन के लेके गए हैं, मुझे पता है वो क्या करने वाली है। वैसे बच्चा मेरा रो नहीं रहा, सबसे अच्छी बात है, सिर्फ भूख लगने पर ही थोड़ा बहुत इरीटेट हो रही है, अदरवाइज वो रो के नहीं दिखा रही। मम्मी गए नहीं आप? नहीं, मैं जा रही हूँ मास्क ले जाने। मम्मी गई है लेके, और उसको वैक्सीनेशन होना था। मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया। वैसे मैंने यूजुअली देखा है हमारे यहाँ तो तुरंत लग जाता है, हैंड टू हैंड भी लग जाता है, पर विद इन 24 आवर्स उसको लग जाना चाहिए। तो उसको BCG, पोलियो और हेपेटाइटिस बी, ये 3 वैक्सीनेशन लगेंगे। ओके, तो पेनफुल होता है यार, हमें जब इतना होता है तो हमें कितना पेन होता है, तो वो रोएगी मुझे पता है, वो इरिटेट होगी। एनी कॉम्प्लिकेशंस यू हैड ड्यूरिंग डिलीवरी? सॉरी, एनी कॉम्प्लिकेशंस यू हैड ड्यूरिंग डिलीवरी? हाँ, बेबी हेड डाउन नहीं हो पा रहा था इसलिए सिजेरियन में जाना पड़ा एंड हार्ट बीट ड्रॉप हो गया था। ओके, तो बेबी आ गई है वैक्सीनेशन करा के, इतनी शांत है, सो रही है आराम से, बिल्कुल भी नहीं रो रही। वैसे उसने फीड ले लिया तो फीड के बाद वैसे भी सुकून में है। मुझे बेड से उठा दिया ताकि मैं वॉक करूँ। स्टिच लाइन में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा, मुझे हल्की सी ब्लॉटिंग हो रही है। मैंने यूरिन पास कर लिया, अब मेरी सॉफ्ट डाइट स्टार्ट हो रही है, तो डाइट आ गई है, खाने जा रही हूँ। और अभी इसका एक टेस्ट हुआ था जैसे आपको मैंने दिखाया था, हियरिंग टेस्ट, कि बेबी अच्छे से सुन पा रही है या नहीं सुन पा रहा है। तो उन्होंने कहा बेबी के दोनों कान ठीक हैं, अच्छे से अच्छा सुन पा रहे हैं, बट स्टिल आप देखना कि वो रिएक्ट कर रही है आपके वॉइस पे, या आप कुछ बोल रहे हो, कोई कमांड दे रहे हो, या कोई भी तरीके की वॉइस पे, तो वो चेक करने का तरीका होता है। तो भी वही चेक करेंगे, बाकी तो शी स्लीपिंग नाउ। कौन से उठा लो मम्मी को देखना चाहती हूँ तेरी बहुत मालिश की है। अच्छा, पापा ने इसकी वालिश की है? मेरा बच्चा। आप बताओ कैसी दिखी है तुम? तुम पे गई है? मेरे पे तो नहीं गई। सब ने ही बोला तुम पे गई है। यार क्या कर रहे हो मायंक तुम? तुम्हारे आते ब्लॉग में जान आ गई अभी तक। मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। अरे उठना पापा से तुम मिल। वो अच्छा है, बट इसको भी आदत आनी चाहिए, मालिश करनी है, सब कुछ रोटेशन से। यू शुड ट्राई एवरीथिंग, यू शुड डू ओन एंड ऑन योर ओन, सब कुछ जितना हो सकता है अपना खुद करो, ठीक है? बच्चे से रिलेटेड काम खुद करो, बाकी जो जैसे किचन रिलेटेड काम है वो अभी 15 दिन रुक जाओ, उसके बाद अपना कर सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो। सिर्फ हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना, आटा वाटा नहीं गूंदना।
करता है वैसे भी नहीं करती वो पता चलता है मुझे कोई बात नहीं कोई बात आजकल के बच्चे दूर भागते हैं कि जैसे सारे ही सबकी कहानी बेटियों की कहानी में कहेगी अपने बेटे को सिखाओ ना बेटियां कहती हैं अपने बेटे को सिखाओ हम क्यों बोला गाइस क्या मैं अभी फिर सेकंड टाइम वॉक कर रही हूँ क्योंकि जितना ज़्यादा मैं वॉक करूँगी उतनी जल्दी मेरे स्टिचेस ठीक होंगे और पेन भी रिलीफ मिलेगा तो अभी हमारा फोटोग्राफर आया था हमारा नहीं मतलब यहाँ का हॉस्पिटल का फोटोग्राफर आया था सो वो पिक्चर कुछ क्लिक करना चाहते हैं जो कि हमें एज अ कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ मिलेगी तो अभी बस हम अपने बेबी को कपड़े ढूंढ रहे हैं और मैं भी थोड़ी सी हुलियत सुधार लूँ भैया और कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है क्योंकि बाहर के फोटोग्राफर्स अलाउड नहीं है इसलिए उन्होंने अपना रखा हुआ है यहाँ पे कपड़े नहीं इसी में रहेगा बस हाथ मुंह धुलवा दो व्हाइट वाइप से इसके बाल वाल ठीक करवा दो कल में बनेगा इसमें बस प्रिंट आउट ना निकल के ऐसा लेजर का टैग लगेगा ऐसे में कुछ ऐसे में व्हाइट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लाइनर चूके हम प्रिंट में ले लेते हैं मुझे प्रिंट ज्यादा सही लग रहा है बट मुझे चाहिए डेट ऑफ बर्थ क्लाइंट लिखवा लेते हैं हमारा बेबी शूट हो रहा है एक फोटो जो बेबी का शूट हो रहा है साथ में मतलब फोटो यार हम मतलब जो बेबी का शूट होता है न्यू बॉर्न बेबी का शूट हॉस्पिटल से तो एक फोटो कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है बाकी हम अपना पर्सनली कराना चाहते हैं घर पर तो उसके लिए हम इन्हीं वजह से बात कर रहे हैं जो आ रहे हैं आए हमारे शूट के लिए हमारे साथ की तो फोटोज हो गई हैं अब सिंगल एक बेबी की फोटो ले रहे हैं और मैं इनको इतनी जल्दी है कि वो जैसे तैसे रॉ फाइल दे दे गाइस नेक्स्ट फोटोग्राफी के बाद बेबी का हो रहा है हैंड कास्ट तो हमने ऐसे हॉस्पिटल से कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा था बट हमने हॉस्पिटल वाला ना लेके हम थोड़ा एडवांस वर्जन ले रहे हैं जिसमें हैंड एंड फीट विद गोल्ड लाइक पेंट एंड फ्रेम के साथ जिसपे उसका नाम भी लिखवाएंगे हम तो वहाँ पे प्रिपरेशन चल रहा है हैंड कास्ट का हैंड एंड फीट कास्ट का मम्मी करेंगी क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ तो मम्मी ने ले रखा है अंदर पैरों की दिख रही है मैं बाबू अब मैं ये वाला हैंड लूंगी ठीक है अब मेरा खाना आ गया है तो हमारी चुटकू की हैंड कास्ट हमने दे दी है हम अपना खुद बनवा रहे हैं हॉस्पिटल वाला हम नहीं ले रहे हैं हमें चाहिए बहुत ही डिफरेंस और फोटोग्राफी भी हो गई है इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट्स भी मिले हैं है ना छोटे छोटे से ओके तो घर पे बहुत लोग वेट कर रहे हैं सब एक्साइटेड है मेरे घर से भी कोई नहीं आ पाया और बस मम्मी है मेरी बाकी इसके अलावा कोई भी नहीं आ पा रहा ना घर से कामाक्षी आ पा रही है सभी बड़े बेताब है छुटकी छुटकी पुचकी को देखने के लिए हम लोग पापा से बेटी कब से परेशान है आपकी पता है मैं अभी हाथ देकर सैनिटाइजर करके तुम करूंगा हां पकड़ो क्या लाया हो मैंने भी बोला तो वही लाए हो क्या अच्छा एक मांगी पांच देंगे और मैं मांगूंगी तो मुझे कुछ दोगे चीर देंगे हंस नहीं सकती पागल हंस नहीं सकती देख लिया जिससे शादी की उसको आज चीर दे नहीं मजाक कर रहा यार मजाक कर रहा शायद ने जो गिफ्ट दिया उस गिफ्ट के आगे भाई ये कुछ भी नहीं है मिठाई जरूरी है ना चलिए स्टाफ के लिए भाई मिठाई कहाँ गई मिठाई कहाँ गई तुम्हारे दी ये कब दोगे आप दे दोगे नहीं आप दे देना अच्छा साथ में खाएंगे क्या साथ में खाओगे अरे अब तो पीछे छोड़ दो अब तो अपने बेटे से खाया करूँगा जल्दी बदल गया ये लड़का हाय तेरी बिटिया रानी दिस इज सो क्यूट मया कल रात को ऑर्डर किया है बहुत क्यूट है सच में गर्ल्स पैर बने हुए हैं आप खा लेना और डिस्ट्रीब्यूट करवा देना ठीक है मैं वॉशरूम जा रहा हूं घर ले जाऊं मेरे लिए इतना नहीं है थैंक यू सो मच फिजा पिज्जा ने भिजवाए हैं उसके घर के पास ही है हमारा मतलब हॉस्पिटल तो उसने जैसे ही डिलीवरी हुई वैसे ही उसको बता दिया था मैंने अभी मम्मी ने रख दिया है मैं खाना खा रही हूँ पिज्जा अंदर तक नहीं आ सकती थी हॉस्पिटल के बाहर से ही मैं इनको देखे गई है अलाव नहीं है खैर अलाव किसी को नहीं है सभी बड़ा तड़प रहे हैं क्या बोल रही हूँ
स्टिच लाइन में फिर से पेन होना शुरू हो गया। ऐसे पोजीशन में बैठती हूँ, दर्द होता है, पर खाने के लिए ऐसे ही बैठना पड़ता है। ओके, तो सबके फोन पे वीडियो कॉल पे बेबी को दिखा रहे हैं। गाइस कैसी लगी हमारी प्यारी सी बेटी आपको? हाँ देखा ही नहीं ना, क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ ये रीजन इससे क्या, देखो फेस दिखाना नहीं दिखाना वो एक बार मम्मी पापा से करेंगे, मम्मी पापा से पहले पूछेंगे। हाँ इसीलिए हमने जेंडर रिवील पहले कर दिया, क्यों पहले कि एक मिनट नहीं दिखा रहे थे पर हम जहाँ तक है मेरे ख्याल से इस ब्लॉग से पहले आपने बेबी का फेस देख लिया होगा, वैसे भी बहुत रेड है तो इसलिए वो एक रीज़न ये भी हम ज़्यादा भी दिखा नहीं रहे हैं। डे वन ऑलमोस्ट एंड हो गया है बेबी का, कल मोस्ट प्रोबेबली बेबी को बाथ मिलेगा, तो बेबी का फर्स्ट बाथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, हॉस्पिटल से मिलेगा क्योंकि मैं एक दिन का और एक्स्ट्रा स्टे कर रही हूँ। सो या कैसा रहा आपका बेबी के साथ फर्स्ट डे और मयंक का फर्स्ट डे? मयंक आपका कैसा रहा? मेरा तो बहुत अच्छा था। आप हर बार आके मेरा बताओ मेरा बहुत भयानक रहा लेकिन फर्स्ट डे सच में। ओके गाइस सो दैट वाज इट फॉर दिस व्लॉग, शिट That was it for this vlog. अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच व्लॉग्स एंड मासा ट्यूबर पर भी जरूर चेकआउट करना क्योंकि आपको हर जगह नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। सो या बाय, टेक केयर।